हाँ, अब बच्चों देखिए एक्सरसाइज 3.2 है। हमने बताई थी आज ग्राफ की कॉपी लेके आए, तो ग्राफ की कॉपी पर हम हल करते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है यूज द टेबल टू कंस्ट्रक्ट ए बार ग्राफ टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन ए वीक। एक वीक में एक शॉपकीपर ए बोतलों को बेचता है, तो इसका तुम्हें ग्राफिकली ग्राफ बनाने, किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने का सिस्टम पहले हम देखते हैं, जो एक्स एक्सिस एक्सिस होती है, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से ग्राफ की कॉपी निकालते हैं। ग्राफ की कॉपी में वो पक्ष लेते हैं जिधर पास पास में लाइन है, उस तरह हम क्या करते हैं, डार्क लाइन पर हम एक पेंसिल की सहायता से उसके ऊपर एक लाइन कर लेते हैं और इस तरफ भी नीचे की ओर कर लेते हैं, नीचे से दो तीन खाने छोड़ के और इधर से दो तीन खाने छोड़कर हम लाइन कर लेते हैं। तो इस एक्सिस पे एक्स लिख देते हैं, इस एक्सिस पर हम वाई लिखते हैं। तो इस लाइन पर लिख देते हैं डेड नेम और इस एक्सिस पर लिख देते हैं नंबर ऑफ बोतल सोल्ड, ये लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी याद रखते हैं, थोड़ी सी बात याद रखते हैं। इस पर देखिए पहली बार उसमें जो नंबरिंग दी है, ये नंबरिंग क्लियर किए नहीं है, इसमें किस संख्या के किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पूरे से डिवाइड नहीं जाता, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें एक ही संख्या से पूरे नंबरों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं लेंथ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल पेन नंबर ऑफ बोतल, ये हम मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर में 10 बोतलों की हम बिक्री मान लेते हैं। सेंटीमीटर में जो ग्राफ में एक खाना दिया होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इस जो बाई एक्सिस है उसके एक डार्क लाइन होगी, डार्क लाइन पर हम लिखना शुरू कर दें 10, 20, 30, 40, इस तरह से हम लिखें 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 75 नंबर है तो 80 तक हम लिख लेते हैं। और नीचे क्या करते हैं, जो एक खाना है, जो 1 सेंटीमीटर का एक खाना है, तो एक पर हम लिख लेते हैं मंडे, दूसरा खाना है तो उस पर लिखते हैं ट्यूजडे, तीसरा खाना है उस पर हम लिख देते हैं वेनसडे, और नेक्स्ट खाना है उस पर लिख देते हैं थर्सडे, और नेक्स्ट खाना है फ्राइडे लिख देते हैं, और अगला है उसमें सैटरडे लिख देते हैं, और अगला है तो उसमें संडे, इस तरह से हम खाने लिख देते हैं। अब करते क्या है, बार ग्राफ जो है हम किस तरह से शो करते हैं, पहले देखते हैं मंडे में लिखा है 45 मींस यानी इसमें 10 का डिवाइड करते हैं, 10 का जब डिवाइड किया 4.5 निकली, 4.5 यानी 4 पूरे खाने, 1, 2, 3, 4 पांच छोटे छोटे खाने मान लीजिए यहाँ आए, उसमें हल्की डार्क लाइन होगी, इस तरह से हमने यूं समझकर ऐसी एक लाइन बनाई, ये बार ग्राफ बनी। इसी प्रकार से ट्यूजडे है, ट्यूजडे में हमने देखे 40 लिखे हैं, 40 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं 4 नंबर्स लिखते हैं, तो इसे 4 नंबर्स के सामने तक इस तरह से हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं। इसी प्रकार से वेनसडे है, वेनसडे में 55.5 पर कर लेते हैं, तो यूं समझिए यहाँ तक तो ये हुए 5, फिर मैं छोटे छोटे 5 खाने और बड़े, तो इस तरह से ये बिनसने के बनी। फिर इसके बाद थर्सडे है, थर्सडे 60 है, 60 के सामने बिल्कुल जस्ट
क्यों समझ लीजिए कैसे। फिर आगे फ्राइडे, फ्राइडे में लिखा है 335 यानी 30 और 5 छोटे छोटे खाने में समझिए किया है। फिर इसके बाद सैटरडे, सैटरडे 5.8 पर चलिए, किस पे 5.8 50 चलिए 5 यहाँ पर 1 2 1 तक इस तरह से लिख लीजिए, लाइन बनी होगी तो यूँ समझ लीजिए इस तरह से ये आई, ठीक है। फिर इसके बाद संडे है, संडे 7.5 इस तरह से और थोड़े बढ़े इस तरह से ये तुम्हारा बार ग्राफ बनके तैयार है। चाहो तो इसे पेंसिल की सहायता से कलर कर सकते हो, इस तरह से पेंसिल की सहायता से कलर कर सकते हो। अब इसी तरह के क्वेश्चन आगे हैं, आगे क्वेश्चन जो सेकंड दिया है, सेकंड क्वेश्चन से इसी तरह से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन बताएं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, इसमें किस तरह करते हैं, जो बार ग्राफ के एक ईयर में दो बार ग्राफ बनने हैं किस तरह से बनाते हैं। तो पहली बात जो है इंपोर्ट एस जो है तो उस बार ग्राफ को उसको करेंगे क्रॉस से, और जो लिखा है एक्सपोर्ट एस लिखा है इस बार जो बार ग्राफ को है हम कर देते हैं बिल्कुल सपाट तरीके से। तो ये ध्यान में रखने, इस चीज को हम क्रॉस करेंगे, इस नंबर वाले जो बार ग्राफ होंगे उसे क्रॉस से शो करते हैं, और इस नंबर वाले हैं इसे बिल्कुल भाइट करते हैं, भाइट से या समझिए ब्लैक या कोई भी सिग्नल समझिए चाहे ब्लैक या खाली करके हम शो कर देते हैं। तो इसमें पहले प्रोसीजर ये है, तो ग्राफ की हम कॉपी निकालते हैं, उस ग्राफ की कॉपी पर क्या करते हैं इधर देखिएगा, तो इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं, पर इस लाइन पर थोड़ा ध्यान रखते हैं डार्क लाइन के ऊपर ही खींचते हैं, तो इधर से इधर की ओर ये लाइन खींचते हैं कम से कम दो खाने छोड़ के, नीचे से लाइन इस तरह से जब खींचते हैं कम से कम दो खाने छोड़कर खींचते हैं, तो इस पर लिख देते हैं एक्स और इस पर लिखते हैं वाई। अब चूंकि इसमें क्या करते हैं ये हमारा ओरिजिनल सेंटर है या मूल बिंदु है, तो हम क्या करते हैं इस पर थोड़ा स्केल मान लेते हैं, इसमें देखते हैं डिफरेंस कोई क्लियर नहीं है ना इसमें डिफरेंस कोई क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं डिफरेंस मानने के लिए जो डिवाइड करने में भी आसानी रहे तो हम मान लेते हैं लेंथ स्केल इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल लिख लेते हैं 100 एस एस कर देते हैं क्योंकि ये दोनों में काम करेगी इसलिए। तो क्या करते हैं इसके बाद, तो इस चीज पर हम लिखते हैं एक डार्क लाइन होगा 100 200 300 400 600 700 और 800 900 तक लिख देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 900। तो इस तरह से हमने लिख लिए, लिखने के बाद इसमें क्या करते हैं 2 1 और 2 खाने, और इसमें ये ध्यान रखते हैं इस लाइन पर हम लिख लेते हैं ईयर, हाँ इस लाइन पर हम लिख देते हैं ईयर और इस लाइन पर हम लिख देते हैं इंपोर्ट एस ऑब्लिक एक्सपोर्ट एस, इस तरह से इस पर दोनों शो करते लिख लेते हैं। तो हमने बताया है तो किस तरह से करते हैं, पहली बात तो 100 इसलिए मानी कि 100 का डिवाइडेशन करने में आसानी रहती है इसलिए ही हम 100 को मान लेते हैं। तो इसमें करते क्या है, पहली बात इंपॉर्टेंट को कैसे शो करते हैं, इसमें टू जो 2 सेंटीमीटर है दो खाने हैं, ये दो खानों पर हम लिख लेते हैं, पहले दिया है 2006 से 2007, फिर इसके बाद एक खाने का हम गैप कर देते हैं, गैप करने के बाद फिर जो दो खाने होते हैं उनके सामने हम लिख लेते हैं नीचे
2007 से 2008 फिर एक खाना हम गेट करते हैं, इस तरह से गेट कर करके लिख लेते हैं सभी को। टू वाले देखिए किस तरह से करते हैं, 2006 और 7 में देखिए, 2006 एंड 7 में देखिए किस तरह से पहले है 550। तो ऐसे किस तरह से करते हैं, तो इसमें पहले 100 का हम डिवाइड करते हैं, जो 100 का हम डिवाइड करेंगे तो इसकी निकल गया है 5.5। यानी 5 बड़े खाने और 5 छोटे खाने को करते हैं किस तरह से, 1, 2, 3, 4 इसमें नहीं लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। तो इस तरह से 5 लिख लिया और 5 छोटे खाने, तो इस तरह से ये हम गिन के इस तरह से आ गए, कैसे लिख लिया। और इसे हमने बताया है क्रॉस से शो कर देते हैं, तो इस वाले जो बार ग्राफ है उसे हम क्रॉस बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली लाइन है, इसमें जब 100 का हम डिवाइड करते हैं तो 6 to 500 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 निकलेगा, था 6 पूरे खाने और 2 छोटे खाने किस तरह से देखिएगा, 6 तो पूरे यहाँ तक हुए, 2 छोटे खाने थोड़ा और ज्यादा आधा खाना और कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इसे बना देते हैं। तो ये चीज इसे हम कलर नहीं करते हैं, ये साफ रखते हैं जो करते हैं। इसके बाद थोड़ा गैप कर दिया, गैप करने के बाद 2007 और 8 में देखिए, 2007-08 में पहले 380, तो 380 में 100 से डिवाइड करते हैं, बिंदी से बिंदी 3.8 निकले, 3 पूरे और 8 छोटे खाने, कैसे 3 यहां तक हुए 8 छोटे, अर्थात यहां यहां समझिए ग्राफ पर क्योंकि लाइन होगी तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम क्रॉस कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे लिखा है 750 यानी 750, 750 में 7 का 100 का डिवाइड जब करते हैं बिंदी से बिंदी क्रॉस हुई तो 7.5 बचे, 7.5 को कैसे शो करते हैं, 7 पूरे और 5 छोटे खाने उसमें दीजिए, ये इस तरह से आए और इसी तरह के साफ रखते हैं, बाकी के रहे विकल्प हैं आगे कर सकते हो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ग्राफ पर हम कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से लिख सकते हैं। इसमें आगे वाले में एक खान गैप करके, गैप करने के बाद इसमें लिखते हैं 2008 और 2009 इस तरह से लिखते हैं, तो आगे वाला भी इस तरह से कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन एम समझिए पहले के तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तीसरे के तरीके का है, लेकिन चलो तब तक फोर्थ में क्वेश्चन और बता दें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज ये समाप्त है, फिर अगली एक्सरसाइज कल बताएंगे, प्रोबेबिलिटी की है। अब फोर्थ में क्वेश्चन और बता दें, बस ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ में लिखा है ईयर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है कोई फिक्स नहीं है, कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जिसका पूरे में डिवाइडेशन हो जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इसके 10 के अलावा मान ली, क्योंकि 10 का डिवाइड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं, कैसे देखिएगा। अब ग्राफ की ग्राफ वाले पेज को निकालिए, तो इसमें करते क्या है, ये वाली टेबल्स जो है उसको हम बनाते हैं जिधर रोज लाइनें होती हैं, और जो फिगर होते हैं बार ग्राफ है तो उसको करते हैं जिधर लाइनें नहीं होती, अर्थात जिधर बहुत पास पास लाइनें होती हैं, ठीक है।
ठीक है, तो उसने डार्क लाइन के ऊपर उसी तरह से बिल्कुल पीछे बताए, उसी तरह से इधर से दो खाने छोड़ के डार्क लाइन के ऊपर ऊपर से लाइन खींचते, नीचे से दो खाने छोड़कर फिर इस तरह से एक लाइन थी, इस पर एक्स एक्सिस लिख देते हैं, इस पर वाई लिख देते हैं। तो ये लाइन पर लिख देते हैं हम यह, और इस पर हम लिख देते हैं मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर बाय साइकिल, इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें कैसे क्या है, जो डार्क लाइन होती है उस पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक लिख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम 60 ही है। तो इस पर एक खाने के बीच में हम लिख लेते हैं ईयर में 2006, फिर 2007, 2008, इस तरह से हम लिख लेते हैं 2009, 2010, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 2006 में देखते हैं, इन फाइव से स्टार्ट, सॉरी ये फाइव से शुरू करते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह से हम लिख लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं 2005 जो है वो 18 में है, 18 में हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.8, अर्थात एक पूरा सेंटीमीटर और आठ छोटे छोटे खाने, यहाँ समझिए इस तरह से ये बने, यहाँ लिख दीजिए, ये तुम्हारा एक बार ग्राफ होना है। इसी प्रकार से 2006 है, 2006 है 22 पॉइंट, अर्थात 2.2, तो यह समझिए इस तरह से लिख देते हैं। फिर 2007 है, 2007 में क्या करते हैं 3.5, यह समझ लीजिए इस तरह से 3.5 कर लीजिए। इसके बाद 2008 है 4.2, तो 4.2 इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है, आगे 5.5 क्यों समझिए इस तरह से, फिर आगे है 60 लिखे इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से ये बार ग्राफ शो होता है, जैसे कि बार ग्राफ ये दिया है, ये किसी बच्चे ने बनाया है, देखिए इस बार ग्राफ में जो बना हुआ बिल्कुल सिमेट्रिकल किसी तरह का ये बन के आएगा। ये बार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट का बार ग्राफ इस तरह से है, और देखिएगा सेकंड का बार ग्राफ जो बच्चों ने तैयार किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का बार ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्रॉस नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ का देखिए ये बार ग्राफ बना है बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये चित्र जो है इसी तरह से भी चित्र जो है इसका फिगर जो है इस तरह बनाओगे, जो क्वेश्चन जो है हम इस तरह से इस तरह लिखते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे के कर लेते हैं सेम इसी तरह से। ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, अब एक्सरसाइज हमारी 3.3 जो है वो एक्सरसाइज नेक्स्ट डे कल बताएंगे, वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज कल बताएंगे। उसमें बच्चों एक रुपए के सिक्के जरूर लेके आना, उस सिक्के के हिसाब से ही बताया जाएगा, एक रुपए के कम से कम दो सिक्के प्रत्येक छात्र लेके आए, कल ये एक्सरसाइज हम बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियोस